हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इमली का अचार। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, खट्टा मीठा और चटपटा होता है। तो आइए बनाते हैं इमली का अचार। अचार बनाने के लिए सबसे पहले इमली को पानी से अच्छी तरह से धो लें, फिर और थोड़ी पानी से उसे भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें। उसके बाद हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में सूखी लाल मिर्च, धनिया, सौंफ, जीरा डालकर सभी मसालों को धीमी आंच में 1 से 2 मिनट तक या फिर अच्छी खुशबू आने तक भून लें। अब भुने हुए मसालों को मिक्सी में डालकर पीस कर तैयार कर लें। अचार बनाने के लिए हम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज़ करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद एक सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डालेंगे। उसके बाद पचफोरन डालकर उसे थोड़ा चला लेंगे। उसके बाद इमली डालकर इमली को फ्राई करेंगे। एक चम्मच सॉल्ट, उसके बाद गुड़। मैंने यहाँ पर 2 कप गुड़ मिक्स किया है। आप इमली के खटास के हिसाब से भी गुड़ मिला सकते हैं। आप धीमी आंच में गुड़ के घुलने तक लगातार चलाते रहें। अलग से पानी मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अब तैयार किया हुआ मसाला डालकर अच्छे से मिला दें। धीमी आंच में और 3 मिनट तक पका लें। अब इमली का अचार तैयार है। ठंडा होने पर किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर उसे स्टोर करें। If you like this video, then please like, share and comment and also subscribe to my channel.